बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा अपनी फिल्म द केरला स्टोरी की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस और डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन 14 मई को हिंदू एकता यात्रा में शामिल होने के लिए करीम नगर जाने वाले थे, लेकिन उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। अब अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट दी है। अदा शर्मा ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि दोस्तों मैं ठीक हूँ, हमारे एक्सीडेंट को लेकर प्रसारित होने वाली खबरों की वजह से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, पूरी टीम और हम सब ठीक हैं, कोई गंभीर बात नहीं है, आप सब ने हमें लेकर जो अपनी चिंता जाहिर की है उसके लिए धन्यवाद। इससे पहले द केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने रोड एक्सीडेंट को लेकर जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, आज हम एक युवा सभा में अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए करीम नगर जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम इमरजेंसी हेल्थ इशू के चलते ट्रैवल नहीं कर सके। करीम नगर के लोगों से दिल से माफी मांगता हूँ, हमने अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक फिल्म बनाई है, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें। बताते चले कि अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है, लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि काफी लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में पहुंच रहे हैं।